फिर भी कोई दुख तकलीफ आती है यहां, तो आपके साथ कौन खड़ा रहता है? कौन? पंडित जी पहले मैणा इनसे पूछ लें, जो एसटी के लोगों से कौन खड़ा रहता है? आप ये बताओ, मैं मोदी जी के बगल में बैठना चाहिए जो यहां मीटिंग कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? अरे बोलो ना, क्यों कर रहा हूं? तुम कहते हो ना कि अरे किरोड़ी तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्यों नहीं बना? अरे बताओ ना, यही कारण था जब आरक्षण का मामला चला था तो मैंने अपने मीणा हाईकोर्ट में सबसे बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें मैंने कहा था राजस्थान में 16% आरक्षण एससी का है और 12% एसटी का है। तो मैंने मोटी भाषा में समझा के कहा था कि 16 बीघा की पार्टी माने खेत, तो एससी का है, 12 बीघा का मीणों का है और उनके बगल में गुजर चाहे 6 बीघा कर ले, चाहे 7 बीघा कर ले, अपन को क्या दिक्कत है? कहा था ना मीणा हाईकोर्ट में, तो सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, नहीं ये तो गड़बड़ करेगा, हुआ था ना। फिर पूरे 33 MLA ने फैसला किया था कि हम डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ रहेंगे, इतना में एक दूर है गए, अरे काय का दूर है, डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ रहेंगे हम 33 के 33। 33 MLA थे ना उस समय, जब बात हो गई आपस की, चाहे कुछ भी हो तो पूरे 32 भाग गए, पूरे 33 में से 31 भाग गए। सबसे पहले भागने वाला मुरारी लाल था, राज बीजेपी का था, तो मुरारी को भागने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस तो सत्ता में थी नहीं। 2 मिनट, किसी ये बताओ, मेरे साथ उस समय 2 आदमी रहे, एक कांतीर कन्हैया लाल, और चूंकि बात का सवाल था, हमने आपसे वचन कर लिया था, तो हमको मेरे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब बताओ मेरी गुर्जरों से क्या दुश्मनी है? बताओ तुम, बताओ मैणा भाई। फिर भी जहर पीकर गुर्जरों ने, जहर पीकर राजेंद्र प्रधान को वोट दिए कि नहीं वोट दिए? सबसे बड़ा नुकसान क्या? गुजरों का। ये मीणों से पूछ रहा हूं, चुप मत रहो, जवाब दो इसका, किसने किया उस समय? अरे चुप क्यों बैठ रहे हो? मैंने किया था ना। तो जब मैंने इतना बड़ा नुकसान झेल लिया, तो क्या मेरे रहते हुए एसटीएससी का आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या बातें करते, इतना बड़ा नुकसान कर लिया, जो मैं वहां नंबर 2, 3, 4 पर होता, मैंने अगर वो बेवकूफी, मैं बेवकूफी मानता हूं उसको, पर आप ये करने पड़ी। लेकिन मैं 5 दिन से घूम रहा हूं, सब जाति समझ रहे हैं, लेकिन एसटीएससी विशेषकर मीणा तो समझ ही नहीं रहे। जाते हैं जब क्या कहते हैं, अरे आग लगन दे मोदी में,
मेरे को हजार फुट नीचे में गाड़ देना या समुद्र में फेंक देना, आपके आरक्षण के साथ तनिक भी छेड़खानी होगी। मेरे पे करते हो, अब यहां जाऊं और बगल में आ जाता हूं वहीं। क्या माइक है? हरेक में बैठी नहीं है।